हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कशिश और आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी रसोई क्रिएशन में। आज मैं आपके लिए सिंपल, इजी एंड यूनिक रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम परवल फ्राई को या कहें परवल भाजा को डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, यानी पत्ते के शेप में बनाएंगे। आई होप आपने पहले ट्राई नहीं किया होगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परवल फ्राई बनाने के लिए मैं यहाँ 1/2 kg परवल ली हूँ। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने अनुसार ले सकते हैं। अब हम परवल के दोनों साइड को थोड़ा कट कर लेंगे और इसके ऊपर के छिलके को निकाल लेंगे। मैं यहाँ नाइफ़ से निकाल रही हूँ, आप चाहें तो पीलर या स्पून से भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सभी का छिलका निकाल लेना है। तो मैं यहाँ सभी के ऊपर के छिलके को निकालकर और दोनों साइड को कट करके सभी को अच्छे से धोकर प्लेट में रख ली हूँ। अब हम चाकू की मदद से इसमें पत्ते जैसा शेप देंगे, इस तरीके से। तो हमें इसी तरीके से चाकू से दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए कट कर लेना है। तो मैं यहाँ सभी में कट मार्क लगा करके प्लेट में रख ली हूँ। अब हम इसके ऊपर मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर इस तरीके से सभी में फैलाते हुए डालें। 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अब नमक स्वाद के अनुसार डालना है। अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच पानी डालेंगे। अब हमें सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और सारे मसाले से अच्छे से कोट कर लेना है। तो सारे मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं परवल के ऊपर। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। नेक्स्ट अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे। फिर इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो यहाँ सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करेंगे और इसमें परवल डालेंगे। अब हम इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट पकने देंगे। तो 1-2 मिनट के बाद हमें सभी को पलट लेना है। और सभी को ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि वो फ्लैट हो सके और पत्ते के शेप में आ सके, इस तरीके से। वापस इसे ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि ये दूसरे साइड से भी पक जाए। अब हम इसे हल्का प्रेस करते हुए दोनों तरफ से हल्का ब्राउन कर लेंगे। तो अब हमारा परवल फ्राई रेडी है, इसे निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे निकालकर पेपर टॉवल पर भी रख सकते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो मैं यहाँ सभी परवल को फ्राई करके प्लेट में रख ली हूँ।
अब हम इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो कैसी लगी आपको नए तरीके से परवल फ्राई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।